एवरीवन, इट्स प्रिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल हेयर पैक जो कि आपके हेयर को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाने में हेल्प करेगा एंड आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा एंड आपके जितने भी स्कैल्प पे इचीनेस या फिर डेंड्रफ की प्रॉब्लम होगी उसको एकदम ठीक करेगा। एंड मैंने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट ऐड किए जो कि इजीली आपको अपने किचन में मिलने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट हैं गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स मिले हैं इसके एंड ये मैं अभी से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते हुए आ रही हूँ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड। कर्ड हमारे हेयर पे, स्कैल्प पे जितना भी डैंड्रफ होगा उसको ट्रीट करेगा एंड नेचुरली कंडीशनर प्रोवाइड करेगा। एंड गाइस, कर्ड काम करता है लीव इन कंडीशनर जैसा, जैसे कि हम लिव ऑन अप्लाई करते हैं ना बालों को एकदम स्मूथ बनाने के लिए, लेकिन अगर हम कंटिन्यू कर्ड का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा हमारे बालों में एक सॉफ्टनेस बनाए रखता है जिससे कि हमें बार बार कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो गाइज, नेक्स्ट मैंने इसमें यूज़ किया था मस्टर्ड ऑयल एंड यूज़ किया था एक एग। अगर आप एग लगाना पसंद नहीं करते हैं, आपको एग की स्मेल पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों का सेम वर्क होता है, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों में जितने भी टेंगल्स हैं उनको रिमूव कर लेना है ताकि हम जो भी हेयर पैक लगाएं उसके सारे गुण हमें अच्छे से मिल पाए, हमारे बालों में अच्छे से उसकी सारी गुडनेस आ पाए। तो मैंने अपने बालों के सभी टेंगल्स को रिमूव कर दिया एंड इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। सो गाइस, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपको छोटे छोटे पार्टीशन लेके अपनी स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है। एंड गाइस, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इसे वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। एंड अगर आप वीक में इसे एक बार या फिर 10 डेज में एक बार अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइज़, ये हेयर मैंने, मेरी लॉन्ग हेयर मैंने मार्केट का कुछ भी ऐड करके नहीं बढ़ाए, जो भी है मेरी होम रेमेडीज़ ट्राई करती रहती थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़र्क मिलता है होम रेमेडीज से। सो बच रहा था तो मैंने उसे अपनी लेंथ पे अप्लाई कर लिया। कर्ड हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड हमारे हेयर को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाता है। एंड गाइज, एग हमारे हेयर को नेचुरली प्रोटीन प्रोवाइड करता है। मस्टर्ड ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे प्री मेच्योर हेयर होते हैं, जो कि छोटे छोटे से हेयर होते हैं, उनको जल्दी से ग्रो करने में मदद करता है एंड फास्टर हेयर ग्रोथ करता है। एंड आप इस तरह से अप्लाई करना जिससे कि बालों में एक एक बालों में अच्छे से लग पाए, और आपको अच्छे से मसाज भी करनी है इसको अप्लाई करने के बाद में, ताकि सारा जो भी गुडनेस होगी इस पैक की वो हमारे स्कैल्प में भी अंदर जा पाए। तो अच्छे से मसाज करना है, लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको मसाज करनी है एंड मैं एक बन बना लूँगी। सो गाइज, मैंने इसको 1 से 2 आवर तक अपने हेयर पर लगे रहने दिया एंड हेयर वॉश करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे मुझे मेरे हेयर एंड बहुत ही, बिकॉज़ मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ तो मुझे पता है इसकी गुडनेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया था, ना ही मैंने अपने हेयर पे कॉम किया था। ड्राई होने के बाद में आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे। सो गाइज़, आप भी ट्राई करना एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।